त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुष्ट सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहते हैं कि आगाज तेरी मिन्नत से है, अंजाम बड़ा अच्छा होगा। आगाज तेरी मिन्नत से है, अंजाम बड़ा अच्छा होगा, और जो काम तेरी निस्बत से हो वो काम बड़ा अच्छा होगा। सादर प्रणाम, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एंड आदाब दोस्तों साथियों। फिर एक बार ये हमारी खुशकिस्मती कि आप जैसे खूबसूरत, प्यारे और कदरदान लोगों से मिलना हुआ। एक बहुत ख़ास दिन है आज। आप सबको मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि आज के दिन का बेसब्री से दुनिया भर में बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज एक ऐसी खुशकिस्मत शख्सियत का हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं जिसने कई जिंदगी नाउम्मीद जिंदगियों में जिंदगी के लिए जीने का एक नया सबक अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने अंदाज के ज़रिए पहुंचाया। आज सालगिरह का ये मौका है उस अद्भुत व्यक्तित्व के कि जिसे हम और आप द गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश जी के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊं, आज की विशेष शाम जो है वो हेमा सावला जी और उनके परिवार की ओर से मुकेश जी के चाहने वाले और रिस्पेक्टेड मुख्तार शाह साहब के दीवानों को ख़ास तौर पर एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए, बातें आगे और भी होंगी। ये बर्थडे बैश यानी एक ऐसी शाम जो नगमों में लपट करके, गीतों में परो करके आप तक पहुंचानी है कुछ अलग अंदाज में, क्योंकि आज की ये शाम एक विशिष्ट और एक अद्भुत प्रतिभा को समर्पित की है। इसलिए कुछ नया करना यहां हमें जरूरी लगा। तो नया यह है कि आवाज तो वही है जिसने करोड़ों दिलों में अपना मकाम बनाए रखा, अंदाज भी वही है, लेकिन आज थोड़ा सा हमारा जो स्टाइल है वो कुछ अनूठा और अलग है। जी हां, केवल एक साज और उसके साथ वो मखमली आवाज जिसने करोड़ों दिलों को जीत रखा है। आपके अपने हरदिल अजीज फनकार को मैं एक शायर के इन अल्फाजों के साथ दावत सुखन दे रहा हूं कि जिसकी नर्म लौ से रोशन है जिंदगी, उसकी आवाज को मैंने बड़ी शिद्दत से अपने दिल में समा रखा है। जी हां, मुकेश जी की आवाज को जिसने बड़ी शिद्दत से अपने दिल में, अपनी जां में बसा रखा है, वो प्यारी आवाज का मालिक शख्स यानी द गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश श्री मुख्तार शाह। धरती को आकाश पुकारे, आजा जा प्रेम दुवारे, इस दुनिया को छोड़ के प्यारे, झूठे बंधन तोड़ के सारे जाना ही होगा। Thank you.
नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों साथियों आदाब सत श्री अकाल जय श्री कृष्ण। आप सब चाहने वालों का सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके रूबरू हैं। हेमा सावला जी और उनके परिवार का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज एक ख़ास दिन मुझे मौका दिया कि मैं आप सब के समक्ष आकर मुकेश जी के गाने एक अलग अंदाज में प्रस्तुत कर सकूं। आज का ये जो प्रोग्राम है ये अनप्लग्ड मुकेश जी के गानों का प्रोग्राम है। जैसा आप देख रहे हैं कि म्यूजिशियंस आज हमारे साथ नॉर्मली जो ऑर्केस्ट्रा होता है वो नहीं है, लेकिन सिर्फ संदीप क्रिश्चियन आज हमारे साथ हैं कीबोर्ड पर, जो आज पूरे इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे। एक ऐसा मेरा साथी जो पिछले 28-29 सालों से हमारा साथ रहा है और हमने बहुत सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान से बाहर भी प्रोग्राम किए हैं। मोहसिन मेरे साथ हैं हमेशा मेरे प्रोग्राम में, आपने अक्सर इन्हें देखा है। हमारे गुजरात के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो टॉप एंकर हैं उनका अगर लिस्ट बनाया जाए तो उस लिस्ट के अंदर इनका नाम ज़रूर शामिल किया जाएगा। एक मेरे बहुत अच्छे भाई की तरह दोस्त हैं और मोहसिन आज हमारे साथ इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे, लेकिन आज का जो पूरा प्रोग्राम है जितनी देर भी मैं आप लोगों के समक्ष मुकेश जी के गाने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये सारे गाने आज सिर्फ इसी अंदाज में होंगे। संदीप अपने कीबोर्ड पर हमें साथ देंगे और मुकेश जी के वो गाने, ख़ास तौर से हेमा जी का ये मानना था कि मैं कभी कभी प्रोग्राम के अंदर 2-3 गाने इस तरह से ऐसे गाता हूँ जिसमें ऑर्केस्ट्रेशन नहीं होता है और सिर्फ कीबोर्ड पर गाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक पूरा प्रोग्राम इसी तरह से किया जाए। जब ऐसा प्रोग्राम होता है तो थोड़ा मेरे दिल में भी डर इसलिए रहता है क्योंकि इसमें आवाज़ बिल्कुल प्रोमिनेंट आप लोगों तक पहुंचती है, तो बहुत ख्याल रख कर गाना भी पड़ता है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज का ये प्रोग्राम जब ख़त्म हो तो आपके दिलों में प्यारी और हसीन यादें छोड़कर ये प्रोग्राम जाए। आइए दूसरा जो गाना है, फिल्म है सरस्वती चंद्र, राग यमन पर आधारित गीत है, मुकेश जी ने गाया, कल्याण जी आनंद जी का ये संगीत था और इस वक्त हम कीबोर्ड पर ये गाना आपको स्लो अंदाज में सुना रहे हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना
जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सा बदन चंचल चितवन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही यूनिक वे आज के इस कार्यक्रम का आप तक प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास है, और बिल्कुल आपने देखा कि कई बार जो होता है वो आवाज़ जो है वो सीधी दिल में उतर जाती है, और ये जो कंसेप्ट करने का ख्याल हमारी जो प्रस्तुत करता है उनको यही वजह है कि आया कि मुख्तार जी की जो आवाज़ है, विशेष करके हर एक गीत को जिस तरह से वो शब्दों को, उसके लिरिक्स को, उसके गीत को, जो उसमें जज्बात गीतकार ने अपनी कलम से डाले हैं, उसको गा करके आवाज़ के ज़रिए भाव पैदा करना, जो कि मुकेश जी की ये खसूसियत थी, खासियत थी, और यही वजह है कि मुकेश जी जैसे महान फनकार केवल और केवल 1040 के करीब मात्र गीत गाने के बावजूद आज इतने सालों के बाद भी हमारे और आपके दिलों में ज़िंदा है। तो वही खासियत, वही खसूसियत ईश्वर की मेहरबानी, खुदा के कर्म से मुख्तार जी ने पाई है कि जो गीत का मर्म है, जो भाव जिसे कहते हैं हम, वो भाव को बड़ी सहजता से उनके चाहने वाले और सुनने वालों तक पहुंचाते हैं, और बस यही बात उनको दिल में घर कर गई हमारी हेमा जी को, और उन्होंने चाहा कि एक ऐसा यूनिक सेलिब्रेशन होना चाहिए। और आज जब ये कार्यक्रम हम हेमा सावला और परिवार की ओर से आपको समर्पित कर रहे हैं, तो यहाँ मैं तीन नामों का जिक्र बहुत ज़रूरी समझता हूँ। एक तो अभिनव जी, उनकी बेटर हाफ श्रुति जी और अनेरी जी, ये तीनों हेमा जी के संतान, यानी अभिनव उनके बेटे हैं, श्रुति उनकी बेटा बहू है, और अनेरी जो है वो उनकी बेटी है। इन तीनों संतानों ने ये विश जो है हेमा जी की थी उसको पूरा करने के लिए, उन्हें ये वैसे सरप्राइज एलिमेंट की तरह सब कुछ कोऑर्डिनेट करके हमारी दीदी के साथ उन्होंने हेमा जी को फ्लायर दिया कि ये लीजिए, और सरप्राइज किया उनको कि भाई आपकी जो ख्वाहिश थी हम वो पूरा कर रहे हैं। तो इन तीनों का भी हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए, आवाज़ जिसमें सोज है, आवाज़ जिसमें कशिश है, आवाज़ जिसमें जादू है और वो बिखर रहा है, इस 4K फुल HD स्क्रीन के ज़रिए देश और दुनिया के कोने कोने में आपके अपने फनकार मुख्तार शाह फिर एक बार। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पराए, दर्द पराए। कहीं दूर
जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। थैंक यू। आनंद फिल्म से गाना था आज। प्यारे दोस्तों, हम ये गाने पर्पसली एक एक अंतरा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि म्यूज़िक का ज़्यादा साथ नहीं है और काफ़ी सारे गाने आपको सुनाने हैं। मुकेश जी के सभी गाने वैसे तो बेमिसाल हैं, लेकिन आज उनमें से चुनकर कुछ लिस्ट जो हेमा जी और उनके परिवार ने मुझे पहुंचाई है, और सभी चाहने वालों ने भी उन्हें शायद अपनी अपनी फरमाइशें भेजी होंगी, तो ये गाने आज चुनकर हम वो लिस्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। अगला जो गीत है, ये गीत बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि बहुत मशहूर गाना है। फिल्म में दिलीप कुमार जी पर फिल्म आया गया, शंकर जयकिशन इसके संगीतकार, यहूदी फिल्म से गाना है। और ये गीत हमारी इंग्लैंड में रहने वाली एक आंटी हैं, संधू आंटी, जिनका एक प्रोग्राम हमने पहले किया था और दूसरा प्रोग्राम अभी हम पिछले 28 तारीख को करने वाले थे, लेकिन शायद आप लोगों को पता होगा कि हमारे जैसे गुजरात के अंदर रात को 9 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम उसके चलते नहीं कर सके, वो आने वाले कुछ दिनों के बाद ज़रूर करेंगे। तो ये गाना उनका भी पसंदीदा है और बहुत सारे दोस्तों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर यहूदी फिल्म से ये गाना है। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरू, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर। ये मेरा दीवानापन है, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर। ये मेरा दीवानापन है। थैंक यू जी, बिल्कुल, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये इनकी आवाज़ की मोहब्बत का सुरूर भी है और इनकी शख्सियत की दीवानगी का ही असर है कि हम, जैसा कि मुख्तार जी ने हमें इज्जत दी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी अद्भुत आवाज़ के साथ इतने लंबे सालों का हमारा जो है वो कोलैबोरेशन रहा, हम इनके साथ देश और दुनिया में गए और हमने हमेशा ये पाया है दोस्तों, कोई ज़्यादती नहीं है, हकीकत और सच्चाई है कि हमने हमेशा ये पाया है कि ये शख्सियत ने जहाँ जहाँ कदम रखा है वहाँ वहाँ इसने
अपनी एक अलग दुनिया बसा ली, अपनी एक अलग दुनिया बनाई है। दुनिया के हर एक मुल्क में जहाँ जहाँ हिंदी जबान के चाहने वाले और हिंदुस्तानी फिल्मों को समझने वाले लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ इस शख्स की आवाज़ का जादू सालों से बिखरता हुआ आ रहा है। और मुकेश जी, जिनको मुख्तार जी ने आदर्श बनाया है, ऐसी अद्भुत प्रतिभा थे वो। हालांकि ये बात बहुत सारे क्रिटिक्स और राइटर्स ने उनको एक फ्रेम में जकड़ करके रख दिया है कि राज कपूर की परछाई यानी मुकेश चंद माथुर। ये सच्चाई कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी, क्यों कि ये वो दौर है जो गोल्डन एरा है इंडियन सिनेमा का कहा जाता है। और दिलीप साहब की भी आवाज़ एक ज़माने में मुकेश जी हुआ करते थे, जिसके सबूत इन जैसे कई गीत है। कई सुपर डुपर हिट गाने 1952 से लेकर 1958 तक दिलीप साहब के लिए मुकेश जी ने गाए। तो भला किसी एक शख्स के साथ मुकेश जी को जोड़कर देखना मेरे ख्याल से इस अद्भुत प्रतिभाशाली कलाकार के साथ ज्यादती है। हाँ, हकीकत तो है ही कि राज कपूर जी पर बहुत फिक्स और फिट बैठती थी, लेकिन जब जब किसी और कलाकार के लिए भी मुकेश जी ने गाया है, अपनी आवाज़ के जादू से उस कलाकार की अदायगी में मुकेश जी ने जान डाल दी है। ऐसे अद्भुत कलाकार के एक और अद्भुत गीत की अब बारी है। ये वो गाना है मेरे ख्याल से कि जिस गाने को मुख्तार जी ने इससे पहले मुंबई, हॉलैंड, लंदन, अमेरिका जैसे बड़े बड़े शहरों में जब कॉन्सर्ट हुए और इनके जहन में आया कि क्यों ना कुछ यूनिक वे के साथ में ये गाना गाऊं, तो उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सबसे पहले मुंबई में किया था एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में, कि सिर्फ मेलोडी का साथ लेकर, किसी भी तरह का कोई रिदम नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट और उसके सपोर्ट से ये गाना उन्होंने गाया, तो लोगों को पता नहीं ऐसी खूबसूरत खुशी, ऐसी अद्भुत अनुभूति हुई कि लोग वंस मोर चिल्लाने लगे। और मुख्तार जी को भी बहुत अच्छा लगा कि यार ये बहुत अच्छा, अलग से और यूनिक, और शायद वहीं से ये प्रेरणा हेमा जी को भी मिली। वो कार्यक्रम में वो वहाँ थी और उन्होंने देखा कि भाई ये कुछ अलग यूनिक तरीका है, और मुख्तार जी ने ये तरीके को जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट इस तरीके का किया है, देश और दुनिया के जिस भी मंच पर, वहाँ वहाँ मुख्तार जी को सराहा गया है। और वही आज मुकम्मल एक कार्यक्रम करने पर प्रेरित बना है। तो वो गीत, जिस गीत को मेरा ये मानना है कि मुकेश जी ने भी बड़ी शिद्दत से गाया है और मुख्तार जी ने भी जब जब इसे प्रस्तुत किया दिल से बहुत गहराई से गा करके लोगों को बस अपनी ओर खींचा है, क्योंकि ये गीत के शब्दों में जितनी सच्चाई और गहराई है उसी भाव को, उसी जज्बात को मुख्तार जी ने हमेशा इंसाफ देने की पूरी कोशिश की है। यही वजह है कि मुख्तार जी को हर एक कार्यक्रम में रोज नए नए चाहने वालों का एक बहुत बड़ा हुजूम फॉलो करने लगता है। गाना क्या है आइए सुनते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में
समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। खुशियों का तरन्नुम है, अश्कों की जुबानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू दोस्तों साथियों, ये गाना मुझे भी बहुत पसंद इसी वजह से है क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो संगीत है, जो कंपोजिशन उन्होंने बनाई है, और प्यारेलाल साहब के साथ मुझे जब जब मौका मिला है ये गाना हमेशा प्रोग्राम में शामिल होता है। और आज मैंने आशीर्वाद लेने के लिए उनसे फ़ोन पर बात भी की थी, और प्यारेलाल साहब अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये गाना ख़ास तौर से उन्हें समर्पित है मेरी ओर से। धन्यवाद। बिल्कुल, और कई कार्यक्रमों में जब प्यारेलाल जी के साथ आपने संगत की, हमने भी देखा कि वो कार्यक्रमों में प्यारेलाल जी भी बिल्कुल आपके गीतों में मग्न हो जाया करते हैं। और हमने कई बार आपका एक खास स्पेशल शो हमने जब किया था टैगोर हॉल में आपकी ज़िंदगी की जर्नी के बारे में, तो उस वक्त हमारा भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हम प्यारेलाल जी के साथ बात कर सकें। और उस वक्त भी हमने ये पाया कि इतना अद्भुत व्यक्तित्व, इतनी बड़ी शख्सियत, कितनी सहजता से आपकी मतलब तारीफ करते हैं, आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मुख्तार जी, मेरा ये मानना है कि संतोष आनंद जी की ये गीतों के ये शब्दों की सच्चाई है कि जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज़ उठा लाओ। आपने मुकेश जी की आवाज़ को केवल आत्मसात नहीं किया है बल्कि यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि उनको ज़िंदा कर दिया है। कई ऐसे लोगों के दिलों में जो ज़िंदगी से भी हताश हो चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, उनको आपकी आवाज़ में मुकेश जी की आवाज़ का जो दर्द है वो लोगों ने आपकी आवाज़ में महसूस भी किया है। जो सच्चाई है, जो मुकेश जी की आवाज़ की डेप्थ है, वो तमाम बातें आपकी आवाज़ में लोगों ने महसूस की है। और इससे पहले ये हमारा सौभाग्य कि तकरीबन सिल्वर जुबली तो कब की इन्होंने सेलिब्रेट कर ली, ऐसे पैंडेमिक में भी ऑनलाइन शोज़ की सिल्वर जुबली ऑलरेडी हो चुकी है। ये मेरे ख्याल से 30 या 31वां शो होगा ऑनलाइन, मेरा 28वां शो है। तो हम देखते हैं कई बार जो कुछ शो में हम शामिल भी होते हैं, कुछ में हमारी हम नहीं होते, तो हम कार्यक्रम को दोबारा देखते हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो हम कमेंट बॉक्स में भी पढ़ते हैं कि लोगों की आपके प्रति जो दीवानगी है, बस उसका मेरे ख्याल से तो कोई जवाब भी नहीं है हमारे पास। और मुख्तार साहब, यकीनन एक शायर के बहुत बड़े अल्फाजों के साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर रहा हूँ, शरारत कर रहा हूँ कि यूँ तो दुनिया में होंगे मयस्सर लाखों फनकार, लेकिन कहते हैं कि मुख्तार शाह का है अंदाज़े बयां और यही वजह है कि उस अंदाज ने करोड़ों को अपना दीवाना बना रखा है। आज बर्थडे है हमारे इस अद्भुत शख्सियत की, तो आइए हम सब YouTube के माध्यम से दुनिया और देश के जिस जिस कोने से आप जुड़े हैं, आप सब की ओर से भी, और पूरे हमारे अहमदाबाद गुजरात के हमारी म्यूज़िकल फ्रेटर्निटी के तमाम लोग, वो तमाम लोग जो फ्रंट लाइनर हैं, वो तमाम लोग जो बैकलाइनर हैं, जो सपोर्टेड फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नीशियंस वगैरह, हमारे सारे ऑर्गेनाइजर्स, हमारे सारे वेलविशर्स की ओर से हम सब
मुख्तार शाह साहब का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सब अपने अपने जहाँ जहाँ भी बैठे हैं वहाँ वहाँ हमारे साथ शामिल हो जाइए। और आज हमारे इस सेलिब्रेशन में कुछ खास नामों का जिक्र करूँगा मैं। बहुत सम्माननीय व्यक्ति, एक संगीत जगत की एक ऐसी व्यक्ति दोस्तों साथियों कि जो ओरिजिनल मतलब मुकेश जी, राज कपूर साहब जैसी शख्सियतों के साथ कई बार महफिलें साझा कर चुके हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं वत्सल परीख, जिन्हें हम सब प्यार से वीपी कहते हैं, उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। हाँ, राजश्री वत्सल फाउंडेशन के ज़रिए एक बहुत खूबसूरत काम, संगीत को और कलाकारों को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने का हमारे वीपी ने पिछले इस समय में भी, इस कठिन समय में भी बहुत सुंदरता से निभाया है। आपने कई कार्यक्रम राजश्री वत्सल फाउंडेशन के द्वारा देखे होंगे। मुख्तार जी के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, साथ में पले बड़े और साथ ही में पढ़ाई की, बाय प्रोफेशन वो भी एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप सब जानते हैं कि एक कामयाब फनकार के पीछे कामयाब एडवोकेट भी छुपा है, तो मुख्तार साहब एडवोकेट भी हैं। तो थ्रू आउट द स्कूल से लेकर ग्रेजुएट तक पढ़ाई जिन्होंने की, वैसे हमारे मित्र वसंत भाई को मैं आमंत्रित करूंगा। और मुख्तार भाई हमेशा जिस नाम का जिक्र करते हैं, उनके बड़े भाई समान और एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र बिंदेश त्रिपाठी। तो ये सारे अजीज़ मिलकर के यहाँ आप सब की ओर से केक काटेंगे, और हम सब मिलकर के हमारे चहीते कलाकार मुख्तार शाह साहब का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग जहां भी बैठे हैं सब बिल्कुल ताली बजा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुख्तार भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy long life to you, healthy long life to you, happy long life dear Mukhtar bhai, happy long life to you। ये हमारे साथ क्या बात है, हमारी खुशी है। भरत पंचाल भी तशरीफ लाए हैं, एक और कलाकार अभी अभी तशरीफ लाए हमारे साथ, अभिजीत राव, उनका भी स्वागत है इस सेलिब्रेशन में। सही वक्त पर आ गए हैं आप दोनों, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों साथियों, जैसा कि आज ये विशेष दिन है हमारे अजीज फनकार मुख्तार शाह साहब की ज़िंदगी का, उनका बर्थडे है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कितने साल के हुए ये सीक्रेट है ना। हाँ, आप अपने प्रिडिक्शन लगाइए और तय कीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जी हाँ, कई लंबे अरसे से बहुत सारे अजीज़ों की ये डिमांड थी, क्योंकि जब सीडी का चलन था तो मुख्तार शाह साहब के गाए हुए गीतों की सीडीज़ भी बिक्री के कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। लेकिन अब चूंकि दुनिया सिमट करके एक छोटे से पेन ड्राइव में आ चुकी है, और बहुत सारे चाहने वालों की वर्ल्ड वाइड ये डिमांड थी कि मुख्तार जी के आवाज़ में मुकेश जी के गीतों का कुछ संग्रह जो है वो, तो यहाँ वो आपकी डिमांड जो है वो आज कंप्लीट हो रही है। इस सेलिब्रेशन में एक पेन ड्राइव है जिसको हम इनोग्रेट करेंगे, यहाँ साया होगा एक पेन ड्राइव जो कि मुख्तार शाह साहब की दिलकश आवाज़ में गाए हुए महान फनकार मुकेश चंद माथुर जी के 225 से भी ज़्यादा गानों का और ख़ास सिलेक्टेड गानों का ये संग्रह है, जिसको हमारे देखें आदरणीय वसंत परीख साहब, वत्सल परीख साहब और वसंत पटेल और भरत पंचाल और सबके हाथों में जो ये खूबसूरत आप चीज़ देख रहे हैं, इसका इनोग्रेशन, इसको साया किया जा रहा है। ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, स्क्रीन पर आपके जो है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करके इस नायाब तोहफे को हासिल कर सकते हैं। 225
गानों का एक अद्भुत कलेक्शन है और इसकी जो कीमत है वो केवल केवल और केवल 1,000 रुपीज़ रखी गई है। 99786 मेरे ख्याल से स्क्रॉल हो रहा होगा नंबर 37472 M3 Events। जी हाँ, हमारी ऑफिस से भी जो लोकल नुमाइंदे हैं अहमदाबाद और उसके करीब रहने वाले लोग वो ऑफिस से भी ये कलेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सभी महानुभावों का दिल की गहराई से शुक्रिया। आदरणीय वत्सल परीख साहब का शुक्रिया, वसंत पटेल जी, बिंदेश त्रिपाठी जी, भरत पंचाल जी आप आए, आपका शुक्रिया। अभिजीत एक और अद्भुत कलाकार हमारी महफिल में उपस्थित हुआ, आपका भी शुक्रिया। तो अब तक ये पता चल रहा है काफ़ी लोगों को ये यूनिक कंसेप्ट जो है वो पसंद आ रहा है, हमें खुशी है इस बात की। और देखें इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि कई बार जो मुख्तार जी ने कहा कि आवाज़ की जो प्योरिटी है वो लोगों तक सीधी पहुँचे, दिल तक पहुँचे, बस वही एक छोटी सी कोशिश। और मुकेश जी की आवाज़ में वो कशिश तो थी ही, इसलिए आपने देखा होगा मुकेश जी के ज़्यादातर गाने जो हैं उसमें ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो बहुत बहुत कम हुआ करता, बहुत लाइट, बहुत कम म्यूजिशियंस के साथ बड़े बड़े संगीतकारों ने मुकेश जी के गीतों को अंजाम दिया है। बहुत कम गानों में तामझाम आपको मुकेश जी के दिखा होगा, बाकी ज़्यादातर गानों में मुकेश जी के बहुत सिंपलसिटी रही है। तो वही सादगी को आज यहाँ आवाज़ की प्योरिटी को आप तक पहुंचाने का छोटा सा हमारा प्रयास, अनप्लग मुकेश जी बाय वन एंड ओनली द गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश, श्री मुख्तार शाह साहब। दोस्तों साथियों, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज इस खास दिन, जबकि मेरा आज जन्मदिन है, साल कितने मैंने पूरे किए वो तो कभी बताऊंगा ही नहीं, लेकिन आप सब लोगों की दुआएं और आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर जिस तरह से बना रहा है इसी तरह से हमेशा बना रहे, ऐसी आप सब से मेरी नम्र विनंती है और रिक्वेस्ट है, और यही प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। आप इतनी सारी संख्या में, इतनी तादाद में हमारे साथ जब भी ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ते हैं हम देखते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि इस ज़रिए आप लोगों का प्यार हम लोगों तक पहुँचता है। प्यारे दोस्तों, आज ये पेन ड्राइव बहुत सारे दोस्तों को चाहिए था कि ऐसा कोई ऑडियो सॉन्ग्स का कलेक्शन हो। वसंत भाई आज थे, ये हमेशा कहते थे कि गाड़ी में जाता हूँ तो गाने आपके जो उनके पास अवेलेबल हैं वो लगाते हैं, तो कोई एक, मैंने सोचा कि एक बाकायदा एक पेन ड्राइव में उसका कलेक्शन करें, तो 225 गाने मैंने इकट्ठे किए और आज वो हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ये गाना, ये जो कुछ भी हमारी जर्नी रही, छोटा मोटा जो कुछ भी हम काम कर सके हैं स्टेज के माध्यम से, ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। और ये गाना जो है मैं आप सब लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई कितना भी हो हंसी गायक कामयाबी को पा नहीं सकता, सुनने वाले न हों अगर आगे तो कलाकार गा नहीं सकता। तो आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते। तुम जो हमारे तुम जो न सुनते, क्यों गाता मैं, तुम जो न सुनते क्यों गाता मैं, बेबस घुट के रह जाता मैं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। तुम जो हमारे
थैंक यू दोस्तों. साथियों अगला जो गाना है अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीतबद्ध किया हुआ गीत है. अनीता फिल्म का नाम है. मनोज कुमार जी पर फिल्म आया गया ये गीत है और इस फिल्म में दो गाने थे मुकेश जी के. ये एक रोमांटिक गाना है, एक और सैड सॉन्ग था. अभी ये रोमांटिक वाला गाना आपको सुना रहे हैं. गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं. गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं. देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आंखें हैं. गोरे गोरे मुँह से पल्ला क्या सर का नाम. मुँह से पल्ला क्या सर का नाम. इस बादल में बिजली है दूर ही रहना दूर ही रहना दूर ही रहना. इनसे कयामत ढाने वाली आंखें हैं. गोरे गोरे प्यार दोस्तों साथियों, जब जब मुकेश जी ने जो गाने राज कपूर जी के लिए गाए हैं वो गाने बहुत ही ख़ास गाने बने हैं. और एक बहुत ही मशहूर फिल्म तीसरी कसम से अगला गाना है जो हम आपको सुना रहे हैं. राज कपूर जी पर फिल्माया गया. शंकर जयकिशन जी इस के संगीतकार थे. शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गाना है. सजनवा बैरी हो गए हमार. सजनवा बैरी हो गए हमार. चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे. चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे. भाग ना बाँचे कोई. करमवा बैरी हो गए हमार. जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के भरमाए. जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के भरमाए. ना संदेश न कोई खबरिया. रुत आए रुत जाए.
डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करम वाबेरी हो गए हमार। सजन वाबेरी हो गए हमार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र साहब की कलम से दर्द कागज पर उतरा था और महुआ की वो दास्तां, वैसे कहा जाए तो लोगों को भाई नहीं, और ये फिल्म जो है वो बुरी तरह से इतना सुपर डुपर हिट कास्ट, इतना सुपर डुपर हिट टीम वर्क होने के बावजूद, वही राज कपूर, वही शैलेंद्र साहब, वही हसरत साहब, वही शंकर जयकिशन जी, वही खूबसूरत वहीदा रहमान साहिबा, क्या नहीं था इस फिल्म में। और एक सशक्त, मेरा ख्याल है एक बहुत ही मजबूत स्टोरी लाइन, बावजूद इतनी सारी खसूसियत और खासियतों के ये फिल्म जो है बुरी तरह से पिट गई। और ये शैलेंद्र साहब का एक ड्रीम था, एक ज़िंदगी का सपना था ये फिल्म बनाने का, और इसकी असफलता ने, और इसकी असफलता के सदमे ने भारतीय सिने संगीत और उसके इतिहास से एक अमर व्यक्तित्व को छीन लिया। शैलेंद्र साहब ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और राज कपूर की टीम में एक इंसान की कमी खलने लगी। आज का ये विशेष कार्यक्रम हम देख रहे हैं, मुझे यहाँ मजरू साहब के एक खूबसूरत शेर की दो लाइनें याद आ रही है, बहुत खूब कहा था उन्होंने और बहुत ठीक और सटीक भी कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कई लोगों की ज़िंदगी में मजरू साहब के ये अल्फाज जो है वो हकीकत बनकर हमारे सामने आए हैं। मुख्तार शाह साहब ऐसे व्यक्तियों में से एक है। ज़िंदगी की जद्दोजहद से जब अपने आप को इन्होंने संभाला, जब काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद एक मकाम पर पहुँचे, और फिर वहाँ से कहते हैं तकरीबन 35 सालों पहले फिर वो सफलता की शुरुआत हुई, और देश और दुनिया को जीतते जीतते ये व्यक्ति ने तकरीबन 3,500 से ज़्यादा लाइव स्टेज शो पूरे विश्व भर में किए हैं, जो मेरा ऐसा मानना है कि किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। और जब ये दुनिया सिमट करके कहते हैं कि 4K फुल HD में समाई, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होने लगा, तो वहाँ भी इस व्यक्ति के साथ जैसे जैसे जब जब इन्होंने लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, इनका कारवां बढ़ता गया। 2, 5, 10 दोस्तों से शुरू हुआ था इनका मुख्तार शाह फैन क्लब का कारवां। आज ये हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 16,000 से ज़्यादा इनके उस पेज के फॉलोवर हैं। YouTube के पेज पर पूरी दुनिया से 62 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मुख्तार शाह साहब के चैनल को। इनका Facebook को फॉलो करने वाले, जो इनका फेसबुक पेज है उसको फॉलो करने वालों की तादाद तो 5,000 के पार कभी से हो गई है, और इनके इतने सारे वीडियोस हैं दोस्तों जो 2-2 करोड़, 1 करोड़, लाखों लोगों ने, मतलब क्या कहें, मतलब ये अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में तो मेरा ख्याल है कि जितना कहेंगे हम कम है, लेकिन ये अचीवमेंट जो आज इन्होंने हासिल की है, ये सब कुछ संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ, हमेशा ये व्यक्ति समर्पित रहा है, एक तो अपने काम को और दूसरी अपनी आवाम को, मतलब अपने सुनने वालों को, अपने श्रोताओं को हमेशा इन्होंने बहुत इज्जत दी है। यही वजह है कि काम ने और इनकी आवाम ने इनको आज इस मकाम पर पहुंचाया है, और वो आपने महसूस भी किया है गीत के पहले जब इन्होंने आपको वो गाना डेडिकेट किया, तुम जो हमारे मीत ना होते, गीत ये मेरे गीत ना होते।
और जितने लोग, ये भी हमारी हमने देखा है कि कई लोग हर बार नए नए बहुत से जुड़ते हैं, तो जितने लोग अभी अभी जुड़े हैं उनसे भी हम एक छोटी सी इल्तिजा करना चाहेंगे। मुख्तार जी गाए हुए अद्भुत गानों के बहुत लाजवाब वीडियोज़ हैं बड़ी बड़ी जंबो ऑर्केस्ट्रेशन के साथ। आप इनके यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा ख़जाना मुकेश जी के अद्भुत गानों का मुख्तार जी के द्वारा गाए हुए वहाँ आपको मिलेंगे, और हमें खुशी होगी अगर आप हमारे उस सफ़र के हम सफ़र बनते हैं। तो बहुत धन्यवाद। आइए फिर एक बार आवाज़ का जादू, आवाज़ की सोज भरी कशिश आप तक पहुंचाने के लिए आपके अपने फनकार मुख्तार शाह। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। धन्यवाद। ये रोशन साहब का संगीत बद किया हुआ गाना, इसके बाद का जो गीत है आर डी बर्मन साहब का संगीत है, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गाना है कटी पतंग फिल्म से। जिस गली में तेरा घर न हो बाल माँ, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बाल माँ, जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बाल माँ। थैंक यू। एक और बहुत ही प्यारा गीत, रवि साहब का संगीत बद किया हुआ गीत है, राजेंद्र कुमार जी पर फिल्माया गया, प्यार का सागर।
फिल्म से है, ये गाना है, 1961 की ये फिल्म है। हो गए दो रोज में आबाद भी बर्बाद भी, अब तमन्ना है यही आए न उनकी याद भी। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे। जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे, वही आज हम से जुदा हो गए। वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। थैंक यू। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। सावन के दिन आए, बीती यादें लाए, कौन झुका कर आंखें मुझको पास बिठाए। कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। जुबां पे दर्द भरी दास्तां
दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले खिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, मेरा नसीब के मेरे कदम जहां भी पड़े, ये बदनसीबी मेरी भी वहां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। प्यारे दोस्तों, कुछ गाने मुकेश जी के ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद होते हैं, लेकिन वो गाने ना तो स्टेज पर बहुत ज़्यादा उनकी फरमाइशें आती हैं और ना ही उस वजह से हमें कभी गाने का मौका मिलता है, लेकिन वो गाने जब आप सुनते हैं तो आपको ये एहसास होता है, कह रहे ये गाना भी बहुत खूबसूरत है, आज तक हमने सुना नहीं था। ऐसे कई गाने हमने पिछले ऑनलाइन प्रोग्राम्स में गाए हैं जो आप लोगों ने पसंद किए हैं, उसे देखते हुए दो गाने यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद बहुत कम लोगों ने सुने होंगे, लेकिन ये गाने बहुत खूबसूरत हैं। पहला जो गीत है ये दान सिंह का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है और फिल्म का नाम है भूल ना जाना, और उसके बाद जो गाना होगा वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीतबद्ध किया हुआ है और उसके फिल्म का नाम है संतान। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। कई बार यूं भी हुआ है सफर में, अचानक से दो अजनबी मिल गए हों। कई बार यूं भी हुआ है सफर में, अचानक से दो अजनबी मिल गए हों, जिन्हें रूह पहचानती हो अजल से, भटकते भटकते वही मिल गए हो। कुंवारे लबों की कसम तोड़ दो तुम, जरा मुस्कुरा कर बहारें संवारो। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। हर दिल में नफरत ही भरी है, कोई दिल साफ नहीं है। मालिक तेरी सारी दुनिया में, कहीं
इंसाफ नहीं है। तू मिले तो पूछूं तुझसे क्या ये है न्याय तेरा, दुनिया को दिए उजाले और मुझको दिया अंधेरा। तू मिले तो पूछूं तुझसे ओ हो, कितनी उमंगे लाए थे हम दिल में समेट कर, ले जा रहे हैं हसरतें कफन में लपेट कर। अब किस पे करे भरोसा जब तूने ही मुंह फेरा, दुनिया को दिए उजाले और मुझको दिया अंधेरा, मुझको दिया अंधेरा, मुझको दिया अंधेरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, कितने सटीक लिखने वाले लोग थे, सालों पहले लिखी गई ये खूबसूरत बात आज भी कितनी वास्तव है, आज भी कितनी सच्ची है, है ना। कई बार दुनिया से हताश हो जाता है इंसान, ना उम्मीद हो जाता है, दुनिया के बनाने वाले से ऐसी दर्द भरी शिकायत करता भी है। और ख़ास करके अभी जो माहौल है पूरी दुनिया में COVID-19 के चलते, तो बिल्कुल आदमी आदमी से पहले सिर्फ मुंह फेर लेते थे, अब तो देखकर दूर हो जाते हैं, छूने से भी डरते हैं, करीब आने से भी हम एक दूसरे से डरते हैं। क्या माहौल बन गया है इस दुनिया का। खैर, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जैसे जैसे संशोधन और समाधान दोनों ही इसमें अब कारगर साबित होने लगा है। और इनफैक्ट आज अखबार की हेडलाइन में आपने पढ़ा भी कि यूके ने तो मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया है कि उन्होंने इसकी जो वैक्सीन है वो खोज ली है और वो कारगर भी है। तो उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं दुनिया के लिए ज़रूर झिलमिलाई है। मुख्तार जी, एक चीज़ ये हमेशा रहती है जब बहुत सारे नए दोस्त जुड़ते हैं तो ये खुला मैदान आज उनको महसूस हो रहा होगा कि मुख्तार भाई बेझिझक गा रहे हैं सारा कुछ, तो इतनी सारी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, बहुत सारे गीतों की फरमाइशें भी आ रही है और बहुत सारे जो पुराने आपके सुनने वाले हैं उनको तो पता ही है आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो ताकत है वो उसके बारे में, तो वो लोग भी बहुत सारे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो उन सबको हम ये बता दें कि थोड़ा सा भले ही ये आज अनप्लग टाइप का शो है लेकिन शो पूरा प्लान है, पूरी तरह से लिस्ट जो है हमारी हेमा जी और उनके परिवार के द्वारा हमें ऑलरेडी पहले से भेज दी गई है, तो वो जो गाने हैं वो मोर देन सफिशियंट है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप इतनी सारी जो अलग अलग, और उसमें हो सकता है बहुत सारी आपकी जो फरमाइश हैं वो आगे लिस्ट में आपको मिलेंगी भी, क्योंकि अभी तो काफ़ी गाने हैं। तो बहुत से दोस्त नाउम्मीद हो रहे हैं, उनसे गुजारिश है आप नाउम्मीद ना होइएगा, बहुत जल्द अगली बार जब कभी एक और ऐसा ही कार्यक्रम लेकर आएंगे तो बाकी आपके सजेशंस और आपकी फरमाइशों को भी हम ध्यान में दें रख करके उन बाकी बचे गानों को भी हमारे कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आइए आगे बढ़ाते हैं, आज हम सब के चहेते फनकार, हम सब के अजीज़ मुख्तार शाह साहब का ये बर्थडे सेलिब्रेशन है और यूनिक कार्यक्रम, आप सब जुड़ने वालों का फिर एक बार दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और फिर एक बार मुख्तार जी के साथ मुकेश जी के लाजवाब गीतों को एंजॉय करते हैं। उसने जाना इधरा आईना हूँ मैं तेरा, उसने जाना इधरा आईना हूँ मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे सारे गम दे दे मुझे, भीगी पलकें ना झुका आईना हूँ मैं तेरा।
तेरी चाहत है इबादत मेरी, देखता रहता हूँ सूरत तेरी। घर तेरे दम से है मंदिर मेरा, तू है देवी मैं पुजारी तेरा। सजदे 100 बार करूं आ तुझे प्यार करूं, मेरी आगोश में आईना हूँ मैं तेरा। उसने जाना इधरा आईना हूँ मैं तेरा। साथी फिल्म का ये गाना था, नौशाद साहब इसके संगीतकार थे, मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा गाना था। अगला जो गीत है अगेन प्यार का सागर फिल्म, प्रेम धवन जी ने गाना लिखा, रवि साहब का संगीतबद्ध किया। सदा खुश रहे तू जफा करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू सुनाते गमे दिल जो तुम पास होते, मेरी बेकसी पे भी क्या तुम न रोते। सुनाते गमे दिल जो तुम पास होते, मेरी बेकसी पे भी क्या तुम न रोते। मगर क्या दिखाए तुम्हें दिल के छाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। सदा खुश रहे तू। अगला जो गाना है शशि कपूर जी पर फिल्माया गया, दिल ने पुकारा फिल्म, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार हैं, इंदीवर साहब का लिखा हुआ गाना है, और लंदन में रहने वाली मेरी दीदी जो हैं टीलू दीदी, उनका भी पसंदीदा गाना है, तो खास तौर से उन्हें समर्पित है गीत। वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है। वरना जीती हुई बाजी तो ना आ रे होते। वक्त
बात करता जो वफा आप हमारे होते, वक्त करता जो वफा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। थैंक यू। गाने खास तौर से जब इस तरह का माहौल होता है, सिर्फ जो संदीप इतने खूबसूरती के साथ बैकग्राउंड जो सब बजा रहे हैं, तो इमोशंस जो हैं वो इन गीतों में एज इट इज़ हैं और थोड़े से और बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा माहौल अलग हो जाता है। अगला जो गाना है ये उपहार फिल्म से गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, 1971 की ये फिल्म है। माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा, किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, कभी न कभी तो समझोगे तुम ये इशारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं। ओहो, कोई ना कोई तो हर किसी को लगता है प्यारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा।
थैंक यू वेरी मच। अगला जो गाना है अजीत, जो बहुत मशहूर विलेन फिल्म दुनिया में जाने गए लेकिन शुरुआती दौर में काफ़ी सारे उन्हें एज ए हीरो रोल किए हैं, उन्हीं पर ये गीत फिल्माया गया। बारात फिल्म का नाम है, चित्रगुप्त इसके संगीतकार हैं, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ ये गाना है, 1960 की ये फिल्म है। मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाए दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाए दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम जीना हुआ इल्जाम किसी से हाए दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। समझे थे साथ देगा किसी का सुहाना गम, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं हम। समझे थे साथ देगा किसी का सुहाना गम, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं हम। तन्हा खड़े हैं हम, दिन भी रहा है कम, रास्ते में हो गई शाम, रास्ते में हो गई शाम किसी से हाए दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाए दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। जी बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों साथियों, जैसा कि बताया चित्रगुप्त साहब का संगीतबद्ध क्या हुआ ये खूबसूरत नगमा था। मैं ये कहना चाहता हूँ 35 साल अपनी फिल्मी करियर के दरमियान मुकेश जी को बांध दिया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा एक अलग इमेज में, चंद नामों को ही जोड़कर देखा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविकता उससे परे है। मैं ये कहना चाहता हूँ 35 साल ज़िंदगी में मुकेश जी ने केवल राज कपूर जी के लिए ही नहीं बल्कि हर एक अदाकार के लिए गीत गाए हैं, उसका ये सबूत आपके सामने पिछले गीत में। मशहूर विलन अजीत जी जब हीरो हुआ करते थे तो भी उनकी आवाज़ मुकेश जी के लिए गानों, मुकेश जी के लिए की आवाज़ उनके लिए इस्तेमाल की गई। ठीक इसी तरह अनिल विश्वास जी से इनका सफ़र शुरू हुआ संगीतकारों में, ये फहरिस्त बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारे अननोन नेम भी हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि एस मोहिंदर जी बहुत कम लोग जानते हैं, दान सिंह, इकबाल कुरैशी, ऐसे कई अनगिनत नाम हैं जिनके साथ मुकेश जी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन एंड कोलैबोरेशन रहा और बहुत अच्छे अच्छे गीत उन्होंने, मुकेश जी ने उस उन संगीतकारों के लिए गाए हैं। अब की फहरिस्त में ऐसे कुछ नाम हैं ही मैं देख रहा हूँ, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ऐसे अद्भुत कलाकार को आज हम याद भी कर रहे हैं और एक अद्भुत व्यक्ति का बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, तो ये दोहरा प्रसंग है हमारे लिए, तो एक बात साझा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मुकेश जी ने अपने 35 साल करियर में बहुत कुछ अचीव किया, फिल्म फेयर अवार्ड मिला उन्हें, नेशनल अवार्ड मिला, छोटे मोटे तो कई संस्थाओं के अलग अलग कई इल्काबों से उन्हें नवाजा गया और सबसे बड़ा अवार्ड तो ये है कि केवल 1038 फिल्मों में सीमित रहकर भी आज भी मुकेश जी पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की तादाद हम गिन नहीं सकते, इतनी बड़ी है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनका। मुख्तार जी ने उनको फॉलो करते हुए मुकेश जी को आदर्श बनाकर उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया है, दुनिया और देश की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में, संस्थाओं ने उन्हें भी गौरव प्रदान किया है, कई शील्ड, कई अवार्ड्स, कई सर्टिफिकेट्स आपको हासिल हुए हैं अपनी इस 35 साल जर्नी में। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो किसी भी कलाकार की ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से अचीवमेंट कह सकते हैं वो साझा करना चाहता हूँ। मुख्तार जी ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो शायद अब तक तो मतलब अनब्रेकेबल है,
आगे पता नहीं, लेकिन अब तक अनब्रेकेबल है, और वो है गिनीज बुक ऑफ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसी संस्थाओं के द्वारा इनको रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर 13 घंटे नॉनस्टॉप मुकेश जी के गाने गाने के लिए नवाजा गया है। हेमंत कुमार महाले जी के नेतृत्व में ये कारनामा इन्होंने अंजाम दिया था आज से कई सालों पहले। नॉनस्टॉप 138 के करीब गाने आपने गाए थे, तो अद्भुत व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। और संदीप जी के बारे में आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत काबिल है, और यही वजह होती है मुख्तार जी जब बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं पर्दे पर कि दो दो काबिल व्यक्तियों का संगम है, तो इनके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल है नहीं, तो वो चाहते हैं कि भाई ये गाना हम एक्सक्यूज़ भी नहीं कर सकते कि संदीप को नहीं पता, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि मुख्तार जी नहीं जानते, क्योंकि सबको पता है कि संदीप को भी सब कुछ पता है और मुख्तार जी को भी सब कुछ पता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हमारे ऑर्गेनाइज़रों ने ऑलरेडी पहले से लिस्ट दी है, तो आप लोग नाराज़ ना हो, आपकी पसंद के गाने जो आज ये कार्यक्रम में नहीं शामिल कर पाए हैं, हम अगला जो भी कार्यक्रम हमारा होगा ऑनलाइन उसमें शामिल करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों साथियों, और आइए कुछ और अद्भुत गीतों के साथ आपके अपने चहीते फनकार मुख्तार शाह साहब आपकी स्क्रीन पर। नैन हमारे साँझ सकारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के, गीत वो चाहे रोए कोई हंस के गाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ नैन हमारे साँझ सकारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ दोस्तों साथियों, एक मुकेश जी ने गैर फिल्मी भी काफी सारे गाने गाए हैं, यहाँ पर उनकी गाई हुई एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, और हमारे किशोर देसाई साहब ने इसे संगीत दिया है, और फिल्म में तो किसी फिल्म में नहीं आई है ये, लेकिन बहुत मशहूर है, शायद बहुत लोगों ने सुना भी हो, और बहुत रोमांटिक है। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तुला जवाब है तेरा जवाब क्या होगा, तेरे लबों के
मुकाबिल। तेरी अदा पे फिदा हम तो क्या जमाना है, तेरी अदा पे फिदा हम तो क्या जमाना है। निसार तुझ पे मेरे दिल का ये खजाना है, तेरे शबाब से बढ़कर शबाब क्या होगा, तेरे शबाब से बढ़कर शबाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म ये नॉन फिल्मी गज़ल थी शामे गज़ल इस एल्बम से। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये रहता है कि आप अपनी फुर्सत से कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो व्यस्त होंगे और देर से जुड़े हैं, उनको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि आज ये मुख्तार शाह साहब की बर्थडे का बहुत ही खास और स्पेशल प्रोग्राम है अनप्लग मुकेश। एक बहुत ही अनोखा अंदाज़, एक बहुत ही अलग स्टाइल के साथ आपसे रूबरू हम हुए हैं। हेमा सावला जी और उनके परिवार ने ये विशेष कार्यक्रम मुकेश फैंस क्लब के और मुख्तार शाह फैंस क्लब के चाहने वाले और दुनिया भर में फैले हुए मुख्तार जी के और मुकेश जी के चाहने वालों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। और आज के इस ख़ास खुशी के दिन हमने एक बहुत ही खूबसूरत नायाब कलेक्शन, एक मुकेश जी के अद्भुत गाने जो कि मुख्तार शाह साहब की आवाज़ के ज़रिए गाए गए हैं, ऐसे 225 गानों का ये खूबसूरत नायाब कलेक्शन हमने रिलीज़ किया है हमारे कुछ ख़ास अजीज़ों के हाथों। और ये बिल्कुल आप अपने सफ़र को घर से जब ऑफिस के लिए जाएं या घर से आप लॉन्ग ड्राइव परिवार के लिए जाएं तो अपने उस सफ़र को भी आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं मुख्तार जी की दिलकश आवाज़ में गाए हुए मुकेश जी के गीतों के इस कलेक्शन के साथ। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको जो हमारे नंबर्स और हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी जा रही है इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी
राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। कई सदियों से कई जन्मों से, कई सदियों से कई जन्मों से तेरे प्यार को तड़पे मेरा मन, आजा आजा के अधूरा है अपना मिलन। कई सदियों से राहों में कहीं नजर आया, अपने ही ख्यालों का साया, राहों में कहीं नजर आया, अपने ही ख्यालों का साया, कुछ देर मेरा मन लहराया, ओ फिर डूब गई आशा की किरण, आ जा के अधूरा है अपना मिलन। कई सदियों से वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो झलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम,
अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रे। सारंगा तेरी याद में, वो अंबुआ का झूलना, वो पीपल की छांव, वो अंबुआ का झूलना, वो पीपल की छांव, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पांव, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रे। ओ सारंगा तेरी याद में। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, कमाल के गाने का आपने मजा लिया। आज का एक विशेष कार्यक्रम, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुख्तार जी के बर्थडे के मौके पर हेमा सावला जी और उनके परिवार के द्वारा, जो कि मुंबई बेस्ड हैं, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। दोस्तों एक खास मैसेज है, वीडियो मैसेज जो मैं साझा करना चाहता हूँ, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड हेमा सावला जी और उनके परिवार के द्वारा आज के इस विशेष कार्यक्रम के तहत मुख्तार जी को भेजा गया है। तो आइए हम सब उस वीडियो का आनंद लेंगे। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है,
हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है। इनकी धड़कन में बसना है, इनके सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ। जो अपने लिए सोची थी कभी, वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. आज का विशेष कार्यक्रम हमारे तमाम के हर दिल अजीज फनकार मुख्तार शाह साहब का ये बर्थडे स्पेशल शो हम आप तक पहुंचा रहे हैं हेमा सावला जी और उनके परिवार के सौजन्य से। विश्व भर में यूट्यूब के माध्यम से मुख्तार शाह साहब के पेज से ये कार्यक्रम देखने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। मैं देख रहा हूँ सुरीनाम से, हॉलैंड से, लंदन, अमरीका, कैनेडा और दुनिया के अलग अलग देशों से तो लोग देख ही रहे हैं। हमारे गुजरात के अलग अलग शहरों से भी लोग देख रहे हैं। सब अपनी शुभेच्छाएं मुख्तार जी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे अजीज़ों ने आपको बर्थडे भी विश किया है और आपके जो दीवाने हैं आवाज़ के जो कायल लोग हैं वो आपको बहुत सारी दुआएँ भी दे रहे हैं। तो ये बहुत दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करेंगे उन तमाम अजीज़ों का। और ये हमेशा का चलन रहा है, ये हमारी खुशबख्ती है कि एक अद्भुत कलाकार के साथ जब भी हमने मंच साझा किया, चाहे वो लाइव कॉन्सर्ट की बात हो या ऑनलाइन शोज़ की बात हो, इनके ज़रिए दुनिया भर में हमें भी बहुत सारे लोगों से मिलना नसीब हुआ है। तो हम बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी का कि जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, मुख्तार जी को बहुत प्यार दिया, हम सब कलाकारों को बहुत प्यार दिया। और कार्यक्रम अब अन करीब है, अपने अंत की तरफ हम चलेंगे। फिर एक बार हम हेमा सावला जी और उनके परिवार का शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अब तक हमारे साथ जुड़े रहे, अपनी दुआओं से हमें नमाजा, अपनी मोहब्बत से हमें सराबोर कर दिया। उसके लिए संदीप क्रिश्चन, एक अद्भुत कलाकार, क्या कहें, जिन्होंने बहुत खूबसूरत साथ दिया मुख्तार जी का। और सदाबहार आवाज़, वो आवाज़ जिसका कोई यकीनन मैं कहना चाहता हूँ, एक मकाम पर ये मैंने कहा था तो बहुत सारे लोगों ने शायद उस वक्त मुझे एक दो बात कही भी थी, लेकिन आज मुख्तार जी मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि देखें मुकेश जी जो है, ये सारे लोग, मुकेश जी, रफ़ी साहब, मन्नादा, हेमंत कुमार जी, किशोर कुमार साहब, ये तमाम लेजेंड लोग हैं। इनकी कोई हम बराबरी, हम मतलब कुछ भी नहीं है उनके मुकाबिल, कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसे सायादार पेड़ है कि जिनकी बहुत सारी शाखें दुनिया भर में हैं। अहमदाबाद में बहुत सारे लोग हैं जो मुकेश जी को गाते हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, लंदन में है, हॉलैंड में है। तो एक ऐसा सायादार दरख्त है जिसकी बहुत सारी शाखें हैं। तो मुकेश जी के गानों को गाने वाले तो बहुत सारे लोग हमने देखे, दुनिया ने देखे। मुकेश जी की आवाज़ शायद हम कॉपी कर सकते हैं, मुकेश जी के जज्बातों को शायद कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुख्तार जी के अंदाज को दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता। सबका ईश्वर जो है, खुदा जो है, खुदा जो है, उसने हर एक इंसान को अपनी काबिलियत के साथ दुनिया में उतारा है। हम मुकेश जी के पर्याय को भी कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, दुनिया
सदियों तक तलाश करती रहेगी। ठीक उसी तरह स्टेज की दुनिया में भी मुख्तार शाह साहब के पर्याय को ढूंढ पाना बहुत ही नामुमकिन सा काम होगा। ये दिल की गहराई से आज मैं आपकी बर्थडे पर आपको मेरी तरफ से बस यही मैं दे सकता था कि आपने जो अचीव किया है आप वो काबिल भी हैं, आप वो डिजर्व भी करते हैं। और थैंक यू सो मच कि आपने हमेशा इस छोटे से कलाकार को अपने भाई की तरह अपने साथ रखा, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन। आप इतना सारा बोल देते हो, मुझे थोड़ा सा अंदर दिल वैसे भर आता है। भाई है इसलिए ये शायद थोड़ा ज़्यादा तारीफ कर देते हैं, लेकिन मैं हमेशा से एक बार फिर से बड़ी विनम्रता के साथ ये मानता हूँ कि आप सब लोगों का जो प्यार है मेरे प्रति, जो स्नेह है संगीत और मुकेश जी के लिए, जो लगाव है, वो हमारे लिए सब कुछ है। और बस इसी तरह से हमारे साथ संगीत के ज़रिए जुड़े रहें। हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके दिलों में और चेहरे पर एक मुस्कान ला सकें, और जब वो आ जाती है तो वही हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जब कभी भी हम प्रोग्राम लेकर आपके समक्ष आएँ, हमारे साथ जुड़िएगा। अब तीन गाने आखिरी हैं प्रोग्राम, क्योंकि आज ऑर्केस्ट्रा नहीं था और सिर्फ कीबोर्ड पर मुझे गाना था, तो शायद ज़्यादातर गाने जो हेमा जी ने सिलेक्ट किए हैं वो सब सेंटिमेंटल या इमोशनल हैं, क्योंकि ठहराव वाले गाने हैं वही इस मूड में गाए जा सकते हैं। टेम्पो वाले गाने तो शायद इस तरह से गाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लेकिन आज का ये प्रोग्राम, चाहे मेरा बर्थडे था लेकिन इमोशनल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसको मैं दूसरा नाम क्लोज़ टू माई हार्ट भी दे सकता हूँ। ये सारे वो गाने हैं जो हमारे दिल के करीब हैं, और कलाकार जो होता है वो हमेशा, उसको इमोशंस बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये सारे इमोशनल गाने हैं। तो हमें भी गाने का बहुत मज़ा आया, और हमारे साथी ने भी काफ़ी, मोहसिन ने भी एंजॉय किया होगा, आई एम श्योर संदीप को भी इतना ही आज कीबोर्ड पर साथ देने में हमारे साथ उतना ही मज़ा आया होगा। अगला जो गीत है, मेरे बड़े भाई जो बिंदेश त्रिपाठी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी पसंदीदा गाना है, और कई सारे लोगों का भी ये गाना पसंदीदा है। सोनी कोमी इसके संगीतकार हैं, और रफ्तार फिल्म से ये गाना है। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, है कौन वो दुनिया में, ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में, ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने, बेदाग नहीं कोई यहाँ, पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम
बहते धारे हैं। थैंक यू। एक और गीत कल्याण जी आनंद जी संगीतकार गुलजार साहब का लिखा हुआ गीत है पूर्णिमा। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़ कर अपने पास आ गए हैं। तुम्हारी वफा से शिकायत नहीं है, निभाना तो कोई रवायत नहीं है। तुम्हारी वफा से शिकायत नहीं है, निभाना तो कोई रवायत नहीं है। जहां तक कदम आ सके आ गए हैं, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। जी क्या बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक सीमा एक मर्यादा में रहकर मुकेश जी गाया करते थे। मेरे ख्याल से ये बात भी गलत जोड़ी गई है उनके साथ। इसी गीत का आप दाखला लें, इसी गीत को आप मद्देनज़र रखकर ये सोचें, ये वही गुलजार जिसने लिखा ये गीत, वही कल्याण जी आनंद जी जिन्होंने संगीतबद्ध किया ये गीत, इसी फिल्म से एक और गाना आप जब ड्यूएट, क्या कमाल है ना। तो ये विविधता थी, ये मुकेश जी की वर्सटालिटी थी कि जितनी शिद्दत से एक फिल्म में उन्होंने रोमांस करने पर हमको आमदा किया है, उतनी ही खूबसूरती से उतनी ही शिद्दत से हमारे दिलों के दर्द को भी उन्होंने, हमारे भावों को भी उन्होंने प्रदर्शित किया है। कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरण पर आखिरी गीत की तरफ आपको ले चलें, उससे पहले टीम के कुछ और हिस्सेदार जो हमारे सफ़र के साथी हैं और बिना उनके सपोर्ट के भी शायद इतना अच्छा कार्यक्रम आप तक पहुंचाना संभव नहीं है। वैसे हमारी मुख्तार जी की प्यारी सी आवाज़ को सीधा आपके कानों से दिल में और सरलता से उतारने में जो सहयोग हमें मिलता है, वो अच्छा साउंड हो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। हमारे यासीन जी के लिए मैं चाहूँगा तालियाँ आपकी होनी चाहिए। ये सुंदर सा स्टूडियो जहाँ आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर सा मंच सजाया गया है हमेशा की तरह। मुख्तार जी का भी पसंदीदा स्टूडियो है और बहुत सारे कलाकारों का, हमारे संदीप जी का तो दूसरा घर इसको कहते हैं ये। तो नीलकंठ स्टूडियो अहमदाबाद से ये कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया, 4K फुल लाइव HD स्ट्रीमिंग विश्व शाह और उनकी टीम के द्वारा। तो इन सभी टेक्नीशियनों तकनीकी सहायकों का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक बार बड़ी तादाद में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेमा जी का ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए महफिल के बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपको ले चलते हैं, हमारी आपकी और दुनिया के तमाम लोगों की ज़िंदगी की एक खूबसूरत सच्चाई जिसको मुकेश जी की आवाज़ के दर्द ने हमारे दिलों को सोचने पर हमेशा आमदा और मजबूर किया है। क्या है, गाकर सुनाएंगे आपके पसंदीदा गायक मुख्तार शाह साहब। जिंदगी ख्वाब है था हमें भी पता, पर हमें
जिंदगी से बहुत प्यार था, सुख भी थे दुख भी थे, दिल को घेरे हुए चाहे जैसा था रंगीन संसार था। आ गई थी शिकायत लबों तक मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पी कर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो उस पार था। हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था, अलविदा 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 अलविदा।